दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंजुकेटिव्स। कंजुकेटिव का मतलब लगातार, इसका मतलब इसकी हिंदी होती है लगातार। मल्टीपल मल्टीपल उसके मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। फाइंड दिस मल्टीपल्स, क्या कह रहा है? थ्री कंजुकेटिव मल्टीपल 11 के। 11 के जैसे मल्टीपल क्या होते हैं? 11, 11 टू जे 22, 11 थ्री जे 33, 11 फोर जे 44, ये इसके मल्टीपल्स है। ठीक है, तो लगातार तीन मल्टीपल्स कितने वन, इनका जो सम होगा कितना होगा? 363। फाइंड दिस मल्टीपल, तो हमें उसके निकालने। तो लेट, हमें तो पता नहीं ना क्या है, तो लेट द फर्स्ट फर्स्ट नंबर या फर्स्ट मल्टीपल क्या हमारा एक्स है, तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई? 11 के है तो सेकंड एक्स प्लस 11 हो जाएगा, और थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 22 ये होगा। अब सम कितना है इनका, इन सब का सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 363 है, 363। ये तो इतना, अब इनका सम करो। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 इक्वल टू कितना है? 363। यही है सम। अब एक्स को 1, 2, 3x है तो 3x हो जाएगा, 22 और 11 कितना होता है? 33 हो जाएगा, इक्वल टू 363। अब 3x तो इधर ही रहेगा, ये पीछे जाएगा, इक्वल का साइन है बीच में, तो पीछे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 33। और 3x इक्वल टू 3 में 3 गए 0, 6 में 3 गए 3, ये 3 याद रहा, वो एक्स इक्वल टू 330 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 वज 0, तो एक्स हमारा 110। अब पहले तो हमने एक्स लिया था, दूसरा एक्स प्लस 11 लिया, तीसरा एक्स प्लस 22 लिया, तो एक्स तो हमारा 110 आ रहा। तो यहाँ 110 प्लस 11 कितना हो रहा? 121 हो रहा। यहाँ 11 प्लस 22 तो प्लस 2, 3 और 1, 132। तो एक नंबर 110 है, दूसरा 121 है, और तीसरा 132 है। तो ये हमारे नंबर्स हैं।